लेकिन रैली का क्या माहौल था, कार्यकर्ताओं में कितना जोश था, लोग कितने मौजूद थे, ये सब चीज देखी है हमारे सहयोगी पंकज राणा ने, उनकी एक रिपोर्ट देखिए। चुनावी आगाज कर दिया है, तमाम कार्यकर्ता उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हैं, जिनमें अब ये कहना है कि अब विधानसभा चुनावों में नए जोश के साथ जाएंगे। कितना जोश कार्यकर्ताओं में भर के गए हैं, क्या महत्वपूर्ण बातें करके गए हैं, ये हम कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं। सुमित्र जी हल्द्वानी से आए हैं, कितना उम्मीद अब बढ़ गई है, क्या क्या कह गए हैं? जनता की उम्मीदें हमसे आज जिस तरह से एक हुजूम निकल के आया है घर से बाहर अरविंद केजरीवाल जी को सुनने के लिए, तो अब ये मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी एक विकल्प के तौर पे नहीं, उत्तराखंड की जनता के लिए एक संकल्प के तौर पे आ रही है। जैसे अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में लोगों ने चुना और तीसरी बार चुना, जिस ताकत से चुना, लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल ने किया, लोगों ने वोट अरविंद केजरीवाल को दिया, अपने आप को वोट दिया, उसी तरीके से उत्तराखंड में भी नव परिवर्तन होने वाला है। तो उत्तराखंड के युवाओं के साथ भी न्याय होगा, और जो गारंटी अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड की जनता से की है उन्हें सरकार आने पर पूरा किया जाएगा। और जिस तरह से यहाँ आज देहरादून के परेड ग्राउंड से एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया है, उससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी जोश है। और जो क्योंकि अब चुनावों में बहुत कम वक्त बचा है, 45 दिन का वक्त चुनावों के लिए बचा है, इन 45 दिन के अंदर भाजपा और तमाम जो पार्टियाँ दूसरी हैं उनको मात देने के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। देहरादून के परेड ग्राउंड से अपने सहयोगी अंजित के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। और उधर उत्तराखंड कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपना चुनावी कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। आज दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पर 3 सॉन्ग का शुभारंभ किया गया, जिसके शुरुआती बोल हैं, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, उत्तराखंड में नहीं आएगी भाजपा दोबारा। तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा कैंपेन का थीम सॉन्ग लॉन्च करने के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा ये सॉन्ग परिवर्तन को इंगित करता है। ये भी कहा कि कांग्रेस परिवर्तन सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए करना चाहती है। उत्तराखंड को लेकर डबल इंजन की बात की गई और प्रधानमंत्री बार बार उसका जिक्र भी करते थे, लेकिन तथा कथित डबल इंजन की सरकार 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदलकर साबित कर चुकी है कि वो फेल है। 2022 का चुनाव इसके महत्व को इंगित करने वाला ये सॉन्ग परिवर्तन का आह्वान करता है। आज परिवर्तन हम केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी चाहते हैं। इस डबल इंजन बेस गवर्नेंस की बात मोदी जी बार बार कहते थे, उसका फेल्योर उन्होंने एडमिट किया है फ्रीक्वेंटली चीफ मिनिस्टर्स को बदल करके। 5 साल में 3 चीफ मिनिस्टर, एक चीफ मिनिस्टर विधानसभा सत्र बजट को पायलट कर रहे थे एज वित्त मंत्री, उस समय उनको उठा करके उनको कह दिया गया यू आर नो मोर चीफ मिनिस्टर, जो पार्लियामेंट्री परंपराओं का भी अपमान था। और उत्तराखंड के लोगों को बताया नहीं क्यों आपका चीफ मिनिस्टर बदला।